आज पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 19 विधायकों को मंगलवार तक स्पीकर के नोटिस का देना है जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने बागी विधायकों पर मंगलवार शाम तक कार्रवाई पर लगा रखी है रोक। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगला कदम उठाएंगे स्पीकर। सीडी कांड को लेकर भी राजस्थान में जारी है संग्राम। राजस्थान सरकार ने जांच के लिए बनाई एसआईटी। खरीद फरोख्त को लेकर ऑडियो सीडी पर एसीबी ने दर्ज की एफआईआर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का भी नाम। कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। होटल में डटे हैं कांग्रेस के विधायक। अंताक्षरी खेलकर फिल्म देखकर बिता रहे हैं समय। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। श्रीराम क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है न्योता। पांच अगस्त सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच भूमि पूजन में शामिल होंगे पीएम। ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है पूजा। राम मंदिर निर्माण के लिए शुरू होगा चंदा जमा करने का अभियान। 10 करोड़ लोगों से किया जाएगा संपर्क। अब 20 फीट ज्यादा होगी मंदिर की ऊंचाई। 141 की जगह 161 फीट का आंकड़ा बनाए जाएंगे 5 गुंबद। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का केंद्र पर निशाना। कहा कुछ लोगों को लगता है राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने पीएम मोदी को दिलाई नेहरू की याद। कहा सोमनाथ मंदिर नहीं गए थे पंडित नेहरू। अब पीएम मोदी को तय करना है वो क्या करेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ। कांग्रेस का आरोप चीन की घुसपैठ लगातार। लेकिन पीएम मोदी सच्चाई बताने की बजाय भ्रमजाल और मायाजाल में देश को बहका रहे हैं। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को हैरान करने वाला बताया। राजनाथ ने कहा था बातचीत से कितना बनेगी बात इसकी गारंटी नहीं। चीन ने डिप्सांग और दौलत बे गोल्डी में भारत की जमीन पर किया कब्जा। कर रहा है सैन्य निर्माण। नारीगुसांग हवाई पट्टी सैन्य हवाई पट्टी में हुई तब्दील। देश में बेकाबू हुआ कोरोना कहर। 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,425 कोरोना के मरीज बढ़े। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 681 लोगों की गई जान। अब तक कोरोना से 27,497 लोगों की मौत। देश में कुल कोरोना केस 11,18,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 22,664 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। लखनऊ में कोरोना का कहर। 4 थाना क्षेत्रों में आज लागू किया गया लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं की छूट। महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट के एक और मंत्री कोरोना पीड़ित। मंत्री असलम शेख ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। मंत्री असलम शेख ने खुद को होम क्वारंटीन किया। करीबी और खुद से मिलने जुलने वालों को कोरोना टेस्ट कराने की नसीहत दी। कोरोना काल में सलमान खान उठा रहे हैं किसानी का लुत्फ। पनवेल में अपने फार्म हाउस पर ट्रैक्टर से खेत की जुताई की। ट्रैक्टर से धान रोपने के लिए खेत तैयार करते दिखे सलमान। पानी भरे खेत में उठाया फार्मिंग का लुत्फ। देर तक खुद ट्रैक्टर ड्राइव करने के बाद सलमान ने छोड़ी ड्राइविंग सीट। चलते ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर आकर खड़े हुए। विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 10 जख्मों का जिक्र। 3 गोलियां हुई थी जिस्म से 8 बार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विकास को 3 गोलियां लगने और 6 जख्मों का जिक्र। सिर कोहनी पसली और पेट में लगी थी चोट। कानपुर के बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड के केस में 2 और शख्स गिरफ्तार। दोनों पर विकास दुबे को हथियारों और पैसे की मदद पहुंचाने का आरोप। कानपुर पुलिस ने विकास दुबे के साथ ही जयकांत वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला को किया अरेस्ट। वारदात वाले दिन विकास इन्हें फोन पर मदद के लिए बुला रहा था। मेरठ के कुख्यात बदमाश उधम सिंह के परिजनों को सताया उसके एनकाउंटर का डर। सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। आजमगढ़ जेल में बंद है उधम सिंह। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बादल फटने से आई तबाही। मुनस्यारी के गेला गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत।
बादल फटने के बाद आई तबाही में टागा गांव में 9 लोग लापता, एक व्यक्ति घायल, गांव का संपर्क कटा। उत्तराखंड के धारचूला में भी मूसलाधार बारिश के बाद बरपा कहर, चोरीबगड़ में 4 मकान ढहे। सैलाब की तबाही में धारचूला और मुंसियारी का संपर्क मार्ग कटा, नदी में दिखा तेज बहाव, राहत कार्य के लिए भेजी गई टीम। मुंसियारी में नाले में बहा 5 साल का बच्चा, 200 मीटर दूर मलबे में मिला जिंदा। सावन के महीने में सोमवती अमावस्या पर तेजस्वी यादव ने की पूजा, घर पर किया रुद्राभिषेक। संग्राम में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, पीपल के साथ साथ भोलेनाथ की पूजा की। सोमवती अमावस्या का आस्था का स्थान रामेश्वरम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मेले के गौरीशंकर मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए जुटे भक्त, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा। रांची के पहाड़ी मंदिर में सुबह सुबह भारी भीड़, मंदिर बंद होने के कारण बाहर ही कर रहे हैं लोग पूजा। अमृतसर में जलियांवाला बाग में कुछ अर्धनग्न मूर्तियां लगाने पर विवाद, एडीएम ने लिया जायजा। धनबाद में कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए अलग शमशान बनाने पर विवाद, विरोध में उतरे गांव वालों की पुलिस से झड़प। फिरोजाबाद में झगड़े के दौरान तमंचा लहराने का वीडियो वायरल, केस दर्ज कर अब तलाश रही है पुलिस। अमृतसर में भाई ने किया भाई का कत्ल, आपसी झगड़े के बाद दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। महोबा में दो बेटियों के साथ कुएं में कूदी मां, बेटा नहीं होने की वजह से किया था परेशान। सीरिया के अजाक क्षेत्र में कार बम हमला, 5 की मौत, 85 लोग घायल। अमेरिका में ट्रंप मास्क पहनना जरूरी बताने के हक में नहीं, बोले मास्क से भी हो सकती है दिक्कत। चीन में बाढ़ का कहर जारी, कई इलाकों से बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। नाइजीरिया के विदेश मंत्री हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन के आरोपों पर सुनवाई, कोरोना की वजह से 2 महीने से रुकी थी कार्रवाई।